देखिए, देश में चूतियों की कमी नहीं है सर, यहाँ पे आप बाहर निकलोगे तो 50 मिल जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी तो अड्डा है, वहाँ पे तो रेस लगी हुई है, जो सबसे बड़ा चुतियापा करेगा उसे सबसे बड़ा पद दिया जाएगा। एक गोबर से, मूत्र पीने से, गोमूत्र पीने से और उसका लेप लगाने से अगर कोरोना या कैंसर ठीक होता है ना, तो ऐसे सांसद हमारे देशों ने भेजे हैं। प्रज्ञा ठाकुर जी जो भी हैं वो आप देख सकते हैं, वो सांसद बन के जीत के चली जाती है इसी सब बकचोदी के ऊपर। तो ये एक कंपटीशन है, अगर इनको इतना ही विश्वास था, आप अगर लिस्ट उठा के देखेंगे जितने लोग मरे हैं उसमें कितने ही लोग ऐसे मरे हैं जो दावा करते थे कि मैं गोपुत्र का सेवन करता हूँ, कोरोना नहीं हुआ, चार दिन के बाद। बाकी छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश के एक बीजेपी के विधायक रहे हैं जो कहते थे कोरोना रोना कोई चीज नहीं है, हम तो फिट हैं, गोमूत्र से हैं और लेप लगा लेंगे, ये कर लेंगे, ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के उनकी वहां पे मृत्यु हुई है। तो आप वैधानिक चीजों पे जाइए ना, जो वैज्ञानिक चीजें उस पे करिए। और इस तरह का एक माहौल बनाया जाता है क्योंकि उनकी जो वोट बैंक है, उनका जो राजनीति करनी है वो हिंदुओं के आसपास करनी है और हिंदुओं की एक आस्था है गाय पे और गोमूत्र पे, तो उस पे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उसके बीच, उसके पीछे ये सब हरकतों से अगर जो लाशें गिर रही हैं उसके भी जिम्मेदार वही लोग हैं आज। तो सर, और सरकार कर क्या सकती है बताइए ना, वैक्सीन दे सकती है क्या, अस्पतालों में वेंटिलेटर दे सकती है, नहीं दे सकती, तो उनको पकड़ेगी जो सवाल पूछेगा। आज 25 लोग को पकड़े, मैं बोला 250 लोगों पर करिए। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, करिए अरेस्ट राहुल गांधी को, सबको करिए ना, जब आपको विपक्ष ही नहीं चाहिए, आपको सवाल पूछने वाले नहीं चाहिए, हत्या करा दो यार, ना रहेंगे ना बजेगी बस, आप करते रहिए राज। पिछले साल तो सर नीति आयोग ने कहा था कि प्रतिदिन 1000 वेंटिलेटर हम रोज बना रहे हैं, कहाँ गया? बना रहे तो चलिए मैं मानता हूँ उनकी बात एकदम सही है, 1000 वेंटिलेटर रोज बना रहे, कहाँ गया? जमीन खा गई, आसमान खा गया। चलो बाकी विपक्ष राज्यों को छोड़ दीजिए, गुजरात को दे दीजिए, पिछले एक महीने में 1,30,000 डेड सर्टिफिकेट वहाँ पे बांटे गए हैं। आखिर कोरोना से मर नहीं रहे, उनके रिकॉर्ड के हिसाब से 8,000 कोरोना मृत्यु हुई है, तो 1.5 लाख सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट कहाँ से आ गए ये सब? और सरकारी आंकड़ा है ये, तो है नहीं, विनय दुबे छाप रहा है उसको। चलो आपने 1000 वेंटिलेटर बनाए, अपने राज्यों को दे दीजिए, गुजरात को, उत्तर प्रदेश को दे दीजिए, लाशें गंगा में बह रही हैं सर, और एक जगह नहीं बह रही, पूरा गंगा का पूरा किनारा जो 1400 किलोमीटर का है, वहाँ पे आप किनारे किनारे जाइए, लाशें दफनानी पड़ रही हैं। आज यही हिंदुओं की सरकार में, जो सबसे बड़े हिंदुओं के ठेकेदार बनते थे, आज उसी सरकार में धर्म के विरुद्ध जाके हमें लाशें गाड़ी नहीं पड़ रही हैं। तो रहे मोहन भागवत की जो कोरोना काल में जिनकी मृत्यु होगी वो मुक्त हो, भगवान से तो मैं भी दुआ करता हूँ, भगवान इनको भी जल्दी से मुक्ति दे दे। अगर इस तरह की इनकी विचार है जनता के प्रति, तो हम भी वैसा ही विचार रखते हैं जैसा भगवत मोहन भागवत जी का जो उद्देश्य रहा इस शब्द कहने में, वही उद्देश्य मेरा भी है। मैं मोहन भागवत जी के लिए कहता हूँ कि भगवान जल्द से जल्द उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति कराए। रानावत ने कहा कि नाइजीरिया का फोटो है जो लाशें बह रही है, यहाँ की फोटो नहीं। उनका तो क्या, वो चरसुल्ली है, उसका क्या बोलना है सर, चरसुल्ली है, ड्रग्स उन्होंने खुद एडमिट किया हुआ, आपको वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी कि मैं ड्रग्स एडिक्ट थी 16 सालों तक, तो एक गांजा मारा, एक सुटका मारा, उसके बाद क्या मुंह से निकलता है कौन देखता है। वैसे मैं पूरा इस विचार से कंगना रानावत जी से सहमत हूँ, एक बार हो जाइए सर आर पर, आइए चौराहे पे और बोलिए लोगों को, और नहीं पब्लिक ने दौड़ा के पीटा तो विनय दुबे अपना नाम बदल देगा। आज नरेंद्र मोदी जी की वो हालत है देश के अंदर, बोलते थे ना अगर 50 दिन में नोटबंदी का ठीक नहीं हो तो किसी चौराहे पे बुला लीजिए, विनय दुबे यहाँ पे बुला रहा है उनको, पटना के चौराहे पे आइए, मैं तो अपने राज्य में भी नहीं हूँ, बाहर हूँ, सिर्फ यहाँ खड़े हो जाइए और बोलिए कि आप मेरे सेवा से खुश हैं क्या। नहीं 50 जूते हमारे प्रधानमंत्री के मुँह पर चले तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, और देश के किसी भी कोने में चौक वो सिलेक्ट कर लें कि मैं इस चौक पे मिलूंगा इस दिन, उस दिन देख लीजिएगा हालत क्या होती है। ये कमाया है मोदी जी ने, 18-18 घंटे लाशें गिरा गिरा के, आज समझिए गंगा किनारे अस्पतालों में, बिहार के ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, ये लाशें गिरा गिरा के उस लाशों के सिंहासन पे बैठा प्रधानमंत्री है, और ये उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है। जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा, जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहाँ पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्त की पत्थरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पत्थरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मेरे को पित्त में कैंसर आ गया था, मैडम दवा दी और मैं अच्छी हो गई। कॉन्टैक्ट 9703939436 R&S Urani Pharmacy, first floor opposite Canara Bank, Bahadur।